हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि पेटीएम डिजी लॉकर क्या होता है और इसको आप पेटीएम में कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसे एक्सेस कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि डिजी लॉकर आखिर है क्या, ये क्या होता है। तो फ्रेंड्स, डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट की 100% लीगल एप्लीकेशन है जिसमें आप अपनी गवर्नमेंट आईडी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया आपका, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया और भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आप इसमें अपलोड करके स्टोर कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होता है कि अगर आप अपने घर से किसी इमरजेंसी में किसी अर्जेंट काम के लिए निकल जाते हैं और अपना लाइसेंस जो है वो लेना भूल जाते हैं और आपको रास्ते में कोई मिलता है और आपसे आपके ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछता है, तो आप अगर आपके फ़ोन के अंदर ये डिजी लॉकर एप्लीकेशन है और इसमें आपने अपना लाइसेंस जो है ड्राइविंग का वो अपलोड किया हुआ है, तो आप उसे अपने डिजी लॉकर एप्लीकेशन को खोल के अपना वो डॉक्यूमेंट, अपना ड्राइविंग लाइसेंस उसे वहाँ से शो कर सकते हैं। ठीक है, ये 100% लीगल है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसे। इससे आपका एक और बेनिफिट हुआ कि आपको अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस हर जगह ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि पेटीएम में डिजी लॉकर को कैसे यूज़ करते हैं और एक्सेस करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और इसे ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। इसमें हमें सबसे पहले पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो इसको हम जैसे ही ओपन करेंगे तो इसमें डिजी लॉकर को यूज़ और एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में अपनी फ़ोटो दिखाई देगी जो आपकी प्रोफाइल है। इन 3 लाइन्स पे इस प्रोफाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप देख सकते हैं डिजी लॉकर का 3rd नंबर पे है पेमेंट सेटिंग, उसके बाद ऑर्डर एंड बुकिंग्स और फिर डिजी लॉकर का एक ऑप्शन है। तो आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से खुल जाएगा और आप देख सकते हैं जैसा डिजी लॉकर एप्लीकेशन के अंदर होता है यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, वैसे ही एजुकेशन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ पे हर तरह के डॉक्यूमेंट आ गए जो भी गवर्नमेंट आईडी से रिलेटेड हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे आपको लॉगिन इन टू डिजी लॉकर इसका ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको इस लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपसे कहेगा साइन इन टू योर अकाउंट। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर, आधार या यूज़र नेम कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं और यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको इस साइन वाले ऑप्शन पे जो नीचे दिया हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है एंटर योर आधार नंबर, तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डाल के नेक्स्ट करके उससे यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आधार नंबर नहीं है आप किसी और तरीके से करना चाहते हैं तो ट्राई अनदर वे ये लिखा हुआ है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और आपका यहाँ पे वो ओटीपी डाल के आप साइन अप कर लेंगे। बहुत सबसे इजी प्रोसेस है इसका। तो मैंने अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं बैक आ जाता हूँ, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और फिर मोबाइल नंबर पे मेरे ओटीपी आएगा और फिर साइन इन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे लिखा आ रहा है साइन इन विद ओटीपी, तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरे मोबाइल पे एक ओटीपी आ गया है। तो यहाँ पे मैं एंटर ओटीपी में उस ओटीपी को फिल कर देता हूँ। ठीक है, मैंने वो ओटीपी यहाँ पे फिल कर दिया है और इसके बाद मुझे यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुझसे कह रहा है एंटर सिक्योरिटी पिन टू साइन इन, तो मैंने डिजी लॉकर जब बनाया था तो उसमें स्टार्टिंग में मुझसे सिक्योरिटी पिन पूछता है ये, तो मैं वो सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डाल देता हूँ, 6 डिजिट की होती है तो मैं यहाँ पे उसे जल्दी से डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे सबमिट का ऑप्शन है तो हम इस सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे अब ये कह रहा है पेटीएम वुड लाइक टू एक्सेस योर डिजी लॉकर, तो यहाँ पे ये पेटीएम यहाँ से परमिशन मांग रहा है डिजी लॉकर को एक्सेस करने के लिए, तो हम यहाँ पे अलाउ कर देंगे। तो अलाउ करते ही ये इस तरीके से हमारे सामने खुल गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने तीन चीज़ें यहाँ पे अपलोड कर रखी हैं, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन वेरिफिकेशन और रजिस्ट्री ऑफ व्हीकल्स, ये तीन डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं। आप और डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, क्लास 10 मार्कशीट, 12 मार्कशीट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हों सरकारी डॉक्यूमेंट्स, आप यहाँ पे डालकर ऐड कर सकते हैं। इसमें आपका एक बेनिफिट ये होगा कि आपको डिजी लॉकर एप्लीकेशन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपके मोबाइल में स्पेस की जो दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो पेटीएम के अंदर ही ये डिजी लॉकर ऐप आ जाएगी और आप इसे ईजिली एक्सेस कर सकते हैं और कोई भी डॉक्यूमेंट अपना यहाँ से देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप पेटीएम डिजी लॉकर का यूज़ कर सकते हैं और उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आप किस तरीके से पेटीएम में डिजी लॉकर एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके फ़ोन का जो डाटा है, मतलब जो आपके मेमोरी का डाटा है, वो सेव होगा, आपका स्पेस नहीं लेगा फ़ोन ज़्यादा, क्योंकि डिजी लॉकर एप्लीकेशन आपको पेटीएम में ही मिल जाएगी, क्योंकि उसी से आप एक्सेस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।